तो आलू पूड़ी क्या हो सकता है करण, थोड़ा बता आलू पूड़ी क्या हो सकता है। आलू पूड़ी एक पराठा टाइप है राजस्थान में, तो कहीं खड़ा ना आगे। और सूरत शहर बहुत बढ़िया है और काम साफ करते हैं। सो वॉट्स गोइंग ऑन पीपल, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज मैं सूरत में आ गया हूँ और आपको मैंने बहुत सारे सूरत के वीडियो दिखाए, लेकिन अभी तक मैंने आपको यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड के वीडियोस नहीं बताए। देखो डायमंड टेक्सटाइल, इसके लिए तो सूरत फेमस ही है, लेकिन सूरत फूड के लिए बहुत फेमस है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो सूरती, यहाँ के जो सूरत के लोग हैं उसे सूरती बोलते हैं। सूरत के लोग क्या खाते हैं और वो लोगों को क्या पसंद है, और कुछ वियर डिशेज है जो आपको शायद सूरत के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। तो अभी देखो, मैं आज महाशिवरात्रि है तो मैंने आज वाइट पहन रखा है, और मेरे साथ में एक मेरा भाई भी है, करण, इसका नाम करण है। तो हम लोग ने दोनों ने वाइट पहन रखा है क्योंकि आज हम लोगों को ऐसा ट्विनिंग करना था। तो आ गया करण। करण है एक्चुअली राजस्थान से, नागौर से, और बड़ा स्पेशल है मेरे लिए ये। तो आज मैंने सोचा इसको व्लॉग के अंदर लिया जाए क्योंकि ये थोड़ा देसी है और मैं भी देसी हूँ, वो आपको पता चलेगा कितना देसी है। तो अभी फटाफट चलते हैं और कुछ, सबसे पहली डिश कौन सी मैं खाने वाला वो भी दिखाता हूँ आपको, और बहुत मजा आने वाली है। आज फुल देसी स्टाइल में ब्लॉगिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो, वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करो। ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जाके फॉलो करो। ये श्रीजी लोचा हाउस है सूरत में, जो सबसे फेमस यहाँ पे लोचा मिलता है। मैं यहाँ पे अंदर की साइड आया हूँ और अभी लोचा, अभी आफ्टरनून के 1 बज रहे और ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने वाला है। हम लोग लास्ट आए, तो लकीली आपको ये चीज़ दिखा दूंगा मैं। लोचा मतलब वो लोचा नहीं जो आप सोच रहे हो लोचा, ये थोड़ा डिफरेंट लोचा होता है। और अभी आएगी जिसका मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। भैया को ये पीछे मेनू है और उसके अंदर लोचा के अलग अलग प्राइस लिखे हुए हैं। सादो लोचो, ऑयल लोचो, बटर लोचो, चीज़ क्यूब। अभी लोचा क्या है ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अपना लोचा, क्या करण इसको बोलते लोचा, ये खिचड़ो नहीं है, इसको बोलते लोचा। ये सूरत का फेमस लोचा है, तो राजस्थान खिचड़ो मिल गया। तो इसको एक बार खा के देखता हूँ, ऐसे बहुत गरम गरम आता है। और अभी मैंने तो खाया हुआ है, लेकिन आज मेरे भाई को खिलाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, तो खा के देख और बता भाई कैसा रिव्यू इसका। ये फूड ब्लॉगिंग का चैनल नहीं, ब्लॉगिंग हो रहा है यहाँ पे गाइस, थोड़ा इधर उधर मत हो जाना, यहाँ पर ऑडियंस बनी रहना मेरे पूरा ब्लॉग को देखने के लिए। तो खाता हूँ मैं और इसको खिलाता हूँ, इसका रिव्यू लेता हूँ क्योंकि यही रिव्यू बताएगा, मैं तो खा चुका हूँ, इसने नहीं खाया मुझे, ठीक है। अभी मैं और करण ने लोचा फर्स्ट डिश हमारी कम्प्लीट की है, और वो 50 रुपये की थी बटर लोचा, तो तेल वाला खाओगे तो और भी सस्ता आता है। तो कैसा लगा करण? खिचड़ो खा लियो मैं, एन लागे मैंने, मैं थोड़ा मारवाड़ी बोलना आज इस ब्लॉग के अंदर थोड़ा रहेगा, और जिसने मेरी मारवाड़ी नहीं सुनी आज सुन लेना। देखो ये है सूरत का मैप। अच्छा मैं अभी यहाँ पे हूँ, जहाँ से हमने सामने लोचा खाया था वहीं मेरी बाइक पड़ी है, और यहाँ पे थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया गया है तो फिर यहाँ पे आया हूँ मैं। और ये सूरत का मैप है, और ये देखो पूरा मैप है, ठीक है, ये पूरे सूरत का मैप है। और अगर मैं इधर आपको बताऊँ मैं किधर हूँ, तो शायद मैं इधर कहीं पे हूँ, इधर कहीं पे हूँ, ठीक है, देख लो बराबर देख लो। और ये सूरत की कुछ SMC की साइकिल है, और सामने फोटोग्राफी चल रही है, चल आ जा तेरे को दिखाता हूँ मैं। मार लो भाई, अयोध्या है, मार लो भाई, नागौर को है, ठीक है। और मैं आज भी ने सूरत घुमा रही हूँ, थाने पूरा ब्लॉग देखना है, लास्ट तक देखना है कि मैं इन्हें कहीं कहीं दिखाऊं, तो थे ही लारे लारे देख लीजो, मजा तो आवड़ वाली है। तेरे को गाना गाना आता है? गाना गाना आता है? है नहीं आता तेरे को? आता गाना गाना तेरे को? गाना गाना आता है? गाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, मेरा प्यार है।
बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाता है। सो ये है वो सिंगर सूरत के हुनर, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश और तेरा गंगा है, गंगा नाम है तेरा? तेरा क्या कह रहे? मेहुल। तो ये लोग क्या करते हैं देखो, टिश्यू पेपर बेचते है, गाना बहुत अच्छा गाता है, वापिस घर जैसा मेरा प्यार है प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सो मैं आपको सूरत की जो सेकंड फेवरेट डिश है वो मैं आपको खिलाने लेके आया हूँ, उसको बोलते हैं आलू पूड़ी। आलू पूड़ी तो आलू पूड़ी क्या हो सकता है करण, तो थोड़ा बता आलू पूड़ी क्या हो सकता है? आलू पूड़ी एक पराठा टाइप है राजस्थान में, तो तो हम लोग ये कुछ वियर्ड नाम से आपको पता नहीं चल, दिखाता हूँ आपको कैसे आलू पूड़ी बहुत फेमस डिश है। तो चलो ये देखो, ये जगह है, यहाँ पे मेरे को बहुत पसंद आई थी इसलिए मैं आपको यहीं पे लेके आया हूँ। ये है अपने लेक्यू गार्डन के सामने वाली रोड पे, आप आओगे तो ये फ्लोरल गार्डन की तरफ टर्न नहीं लेना, उसके अपोजिट साइड में आपको एक, कितने बजे तक चालू रहता भैया? पूड़ी मैदे की होती है, इसके ऊपर कुछ चटनी वगैरह होती है और पापड़ी होती है, प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है ना? चल करण ट्राई कर भाई, तेरे आ गई डिश, खा के बता कैसा लगता है। हर इस घर किसी मसाला डालना जरूरी है क्या? आलू की पूड़ी है क्या? क्या मैदे की पूड़ी है, ये बहुत अच्छी है, पराठे से बहुत अच्छी है, मैं भी खाता हूँ, अच्छी है। मैदे की पूड़ी है, ऊपर बहुत सारी चटनी है और ये बहुत अच्छा वाला टेस्टी है। कितने रुपए की थी? 20 रुपीज़। जो लोचा खाया था 50 रुपीज़ का था, ये 20 रुपीज़। तो हम लोग आलू पूड़ी तो कर गए चट, और अभी हम करेंगे खाउसा, खाएंगे खाउसा भी इधर ही मिलता है, खाउसा भी एक अलग टेस्ट है। देखो ये आलू पूड़ी जो थी सूरत का एक रांधेर एरिया है, वहाँ की फेवरेट डिश है, तो अभी खाउसा खाते हैं। खाउसा भी यहीं पे सूप टाइप होता है कुछ। ये खाउसा है, पूरा सूप है, क्या चीज़ का सूप है अभी? कोकोनट, कोकोनट का सूप है पूरा, आप ही बनाते ना? मस्त है, सर्दी के अंदर खाओ ना, सर्दी के अंदर ज़्यादा मिलता है ये, दिखता होगा।
थोड़ा चाइनीज टेस्ट है, मस्त है। सूरत के अलावा कहीं नहीं मिलता है ये, तो कभी भी आओ सूरत तो ये खा के जाना। अभी मैं आ गया हूँ सूरत के दिल्ली गेट के पास में, और यहाँ पे मैं आपको खिलाने वाला हूँ रस्से वाला खमण। खमण तो है ही, पता ही है सबको, फेमस है गुजरात का, लेकिन रस्से वाला खमण एक अलग आइटम है। देखो गुजराती में लिखा है रस्से वाला खमण, पता चल रहा है। अभी ये देखो, ये है दिल्ली गेट, स्टेशन से एकदम पास में ही है, आप आओगे तो आपको यहाँ पे रस्से वाला खमण मिल जाएगा। अभी शाम के बज रहे 5, और जनरली होता ये है कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, बट लकीली हमें यहाँ पे रस्से वाला खमण मिल गया है। तो अभी एक बार टेस्ट करते हैं कैसे है रस्से वाला खमण, और दिखाते हैं कि कैसे बनता है। ये तो खत्म हो गया और छाछ आ गई। अब एक चीज़ आपको खिलाने वाला हूँ मैं, वो अब बहुत तीखा खा लिया ना, अब मीठा खाते हैं। आगे स्टेशन के पास में जाऊँगा मैं, और वहाँ पे कुछ स्पेशल डिशेज जो सिर्फ सूरत में मिलती है और बाकी कहीं जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ चलते हैं फटाफट। और अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर भी कराते हुए जाऊँगा, तो अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखना। ये सूरत स्टेशन है, ये यहाँ से वन वे रोड जाता है दिल्ली गेट, और यहाँ से आता है जिसको आना हो। नेशनल फ्लैग यहाँ पे भी है, और भी बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। सूरत शहर बहुत बढ़िया है, और कान साफ करते हैं। आप कान साफ करते हो, बढ़िया है। भैया जी कान साफ करते हैं, अगर आपको कान साफ करवाना तो आ जाओ, चल आ जा करण, करण तेरे कान साफ करवाना। मेरे को तो नहीं कराना कान साफ। और क्या क्या साफ करते हैं भाई? वो साफ साफ पर अगर आपको कान साफ करवाना है, इनसे इनसे थोड़ा बच के रहना, ये लोग कान साफ नहीं करते, कुछ और ही साफ कर देंगे आपका, क्या देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे जहाँ पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ, ये देखो ये सब रेस्टोरेंट और आपके गेस्ट हाउस वगैरह, होटल वगैरह यहाँ पे सब आपको मिल जाएंगे अगर आप सूरत से आ रहे हो तो। बेटर प्राइस में अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन सर्च करना, प्राइस पूछना, फिर जाना, डायरेक्टली मत अप्रोच कर देना। यहाँ पे थोड़े से इस तरीके के लोग रहते भी है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग को वहाँ सामने जाना है, वहाँ चलते हैं। तो अभी जो लास्ट हमको जो खाना है वो उसको खाने के लिए हम लोग अंदर जाएंगे, और ये वो वाली डिश है जिसको मैं खाने आया हूँ। सामने आपको दिख रहा है आवर स्पेशलिटी गारी, सूरत के अंदर ही यहाँ पे गारी मिलेगी। गारी एक अलग टाइप की एक स्वीट डिश होती है जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मोहन मिठाई स्टेशन से एकदम पास में, कभी आओ तो ये गाड़ी अंदर चलते फटाफट, कैसा है दिखाता हूँ। ये है गाड़ी, ये सूरत की स्पेशल है, और आपको कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं पे मिलती है सूरत के अलावा ये? नहीं नहीं, सूरत में, सूरत में मिलती है। इसके अंदर आपके पास में कितने फ्लेवर है? दो फ्लेवर है, और ये पूरे साल रहती है, 365 दिन अब मिलता है, मिलता है। वही बिकता है। तो अभी टेस्ट करता हूँ मैं कैसा है, और करण देख ले ये पूरा घी है, मिलते बादाम पिस्ता, ये वाली ये केसर पिस्ता और ये बादाम पिस्ता। ओके ओके ओके, तो ये कितने रुपए किलो है? देखो नीचे लिखा हुआ है केस वाली और 800 रुपये। ओके, ये 800 रुपीज़ केजी है और ये 760 रुपीज़ केजी है। तो अभी टेस्ट करूँगा मैं दोनों, और दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट मुझे पता चल जाएगा, फिर भी हम लोग एक लेंगे और देखेंगे कि कैसा है। सूरत में मोहन मिठाई, अभी अंदर गया था मैं तो वहाँ पे उन्होंने बोला वीडियो बनाना अलाउड नहीं, लेकिन आप बाहर जाके ले सकते हो। तो मैंने अभी एक पीस का मैंने पैक किया है आप लोगों के लिए, के देखते खाते जैसा पैकिंग है वो प्रीमियम मोहन मिठाई।
ये 76 रुपए की इतनी सी 76 मतलब ये मैंने वो वाली ली थी बादाम पिस्ता वाली, तो खाता हूँ। ये जो है ना पूरा घी है, घी पूरा घी। अब ये आएगा कवर करण, मैं नहीं खाऊंगा। करण आजा बेटा। यहाँ पे सूरत की मैंने आपको टॉप 5 सूरती फूड ये दिखाया मैंने आपको। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय।